हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ मोटो का G32 और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो गैलेक्सी के F23 5G को 14,999 रुपये के प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के G32 को 10,999 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 4000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 4000 रुपीज ज्यादा खर्च करके गैलेक्सी के F23 5G को बाई करना चाहिए या फिर 4000 रुपीज कम खर्च करके मोटो के G32 को बाई करना चाहिए, जानने के लिए आज के इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन की अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि गैलेक्सी के F23 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ मोटो के G32 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का एक एवरेज परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपने लिए नया गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को गैलेक्सी के F23 5G को ही बाय करना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर की अगर बात करी जाए तो गैलेक्सी के F23 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2300 के आसपास का निकल के आता है, जबकि मोटो के G32 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 1200 के आसपास का निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, परफॉर्मेंस के मामले में तो आप लोगों को काफी अच्छा परफॉर्मेंस गैलेक्सी के F23 5G में ही देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में गैलेक्सी के F23 5G में आप लोगों को एवरेज क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ 12,000 रुपए से कम के प्राइस में मोटो के G32 में आप लोगों को काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो बैक का कैमरा तो लगभग एक जैसा देखने को मिल जाता है, पर सेल्फी कैमरे में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मोटो के G32 में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि कम प्राइस में भी आप लोगों को मोटो के G32 में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि ज्यादा प्राइस खर्च करने के बावजूद भी गैलेक्सी के F23 5G में सिर्फ 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन की अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो गैलेक्सी के F23 5G में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो का G32 में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 33W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी लाइफ की बात करी जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन को फुल चार्ज करने के बाद मोटो के G32 में आप लोगों को 19 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जबकि गैलेक्सी के F23 5G में सिर्फ 12 hours का ही बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो कि बैटरी के मामले में काफी ज्यादा बेस्ट है मोटो का G32। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात कर लीजिए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में गैलेक्सी के F23 5G सिर्फ एक मामले में काफी ज्यादा बेस्ट है, वो है इसका गेमिंग प्रोसेसर। और गेमिंग के मामले में इसलिए काफी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 120 Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसीलिए 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में अगर आप लोग गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो गैलेक्सी के F23 5G को बाई करना चाहिए। पर 12,000 रुपए से कम के प्राइस में मोटो का G32 भी काफी ज्यादा बेस्ट है, पर आप लोगों को परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है मोटो के G32 में।